सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स. और ये एपिसोड में मैं आपको किसी से मिलवाने वाला नहीं हूँ. आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू. जैसे आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, हाउ आई फिक्स्ड माय चेस्ट फैट. अब इतने लड़के हैं, यू नो ये प्रॉब्लम ऐसी है ना चेस्ट फैट की, मेल बूब्स कह लो, कुछ भी कह लो, इतने लड़के हैं वर्ल्ड में, इंडिया में बात करते हैं स्पेसिफिकली, जो इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत एम्बेरस होते हैं. यू नो मैं तो उसका शिकार रहा हूँ, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब जब आपकी जब जिसके साथ ये होता है ना, वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता, वो हमेशा चुप रहेगा, वो हमेशा से कहते ना एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा कि कोई उसको तंग ना करे, बिकॉज बुलिंग तो उन सबकी होती है. और ये बुली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा जिसे कहते ना एक इशू है, यू नो विच इज़ समथिंग दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स. हर बच्चा चाहे वो छोटा हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, बुलिंग का शिकार जरूर रहता है. स्पेशली अगर आपके मेल बूब्स है, अगर आपके चेस्ट फैट है, तो आप समझ लो कि उसके शिकार गारंटीड बनेंगे. लोग आपका बहुत मजाक बनाएंगे. मेरे साथ भी वही था, बट उस टाइम ना इंटरनेट नहीं था और मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस करे हैं. मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ विच इज़ गोना चेंज योर लाइफ, बिकॉज ये शायद कभी किसी ने करा ही नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं, बिकॉज कोई ओपनली मेल बूब्स के बारे में बात करने वाला आया ही नहीं. और किसी ने तो मतलब उसे कहते हैं ना कोई तोड़ निकाला नहीं. लोगों ने कहा अच्छा इसकी तो सर्जरी होगी, इसका तो डॉक्टर को दिखाओ, सब मैं वो सब कर चुका हूँ और मुझे नहीं उसका कोई इलाज होगा, बिकॉज मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे कि मैं लाख दो लाख रुपये की सर्जरी करा लूँ. सो व्हाट आई हैड टू डू इज़ कि मुझे सब कुछ अपने आप पे खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, मुझे अपने आप पे खुद ही डाइट लेने पड़े, सप्लीमेंट लेने. और कई वीडियोज़ मैंने उसके ऊपर करे हैं जिसपे मेरे मतलब मुझे इस चेस्ट फैट के लिए कई चीज़ों कई रास्तों से गुजरना पड़ा. मैंने एनोबॉलिक्स लिए कि शायद मेरा चेस्ट फैट ठीक हो जाए, मैंने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स लिए, सब कुछ करा, बट कहते ना कि रिजल्ट नहीं निकला. फिर जब सब कुछ थक हारने के बाद, जब कहते हैं जब मंजिल पास होती है तो थकना हारना नहीं चाहिए बिकॉज यू जस्ट अबाउट देयर, तो आई केप ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. और एक प्रोग्राम काम कर गया. अब उस प्रोग्राम काम कर गया, उसके साथ मैंने डाइट अलग अलग तरह की डाइट भी मैं फॉलो कर रहा था, वो भी, तो मैंने क्या करना शुरू करा, मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया सब कुछ जो भी मैं करता था. जैसे चेस्ट करी लिख दिया, और कौन सी डाइट खा रहा हूँ वो लिख लिया, सप्लीमेंट ले रहा हूँ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया. और रियलाइज़ करा कि यार विद इन अबाउट 90 डेज मैं कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कह लो, या कह लो कि मतलब मेरा 70-80% चेस्ट बिल्कुल ही मिनिमाइज हो गया था. मैं आप कुछ फोटोग्राफ्स डालूंगा, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस. और मैंने कहा क्यों ना मैं वही प्रोग्राम सबके साथ शेयर करूँ. प्रोग्राम्स तो बहुत है इंटरनेट पे कि आप ऐसे ट्रांसफॉर्म करो, वैसे ट्रांसफॉर्म करो, बट पहली बारी आई एम हैप्पी टू अनाउंस अमेज़ॉन बेस्ट सेलर बुक हाउ आई फिक्स माई चेस्ट फैट. आपने सही सुना गाइस, आई एम अ बेस्ट सेलिंग फिटनेस ऑथर, नाउ इंडिया का पहला फिटनेस ऑथर जिसने ये किताब चेस्ट फैट पे लिख दी है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग. आप देख सकते हैं कितनी मोटी किताब है ये. इट हैज़ एवरीथिंग, चाहे आपकी सप्लीमेंट्स, डाइट, फिटनेस, न्यूट्रिशन, सब कुछ. मैंने ऐसा क्या क्या करा जो चीज़ें मेरे पे हेल्प हुई. और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. अगर आप चेस्ट फैट के शिकार हो, अगर आप मेल बूब्स के शिकार हो, अगर आप आपको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करना है, दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू. ये जवाब उन सब बुलीज़ के लिए जो लोग आपको तंग करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आपको बहुत तंग करते हैं, जैसे मुझे भी कई लोगों ने करा. मैंने तब सोच लिया था कि मैं कैसे इसका इलाज करूँ यार, मैं डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, वो मेरा मजाक बना देगा, मुझे ऐसा लगता था. आज भी मैं देखता था कि मेरे पास करीब करीब रोज़ 8-10 मेल स्पेसिफिकली चेस्ट फैट के होते हैं. और मैंने कई इंटरव्यूज़ भी करे अपने टीजी टॉक्स पे, कई लड़कों से आप मिले हो जिन्होंने बातें करी हैं कि वो ऑलमोस्ट सुसाइड की अटेम्प्ट करने वाले थे. वो कई लड़कों ने तो अपने दे ट्राइड वेयरिंग द मदर्स ब्रा, मतलब इतनी एक्सट्रीम चीज़ें. सो दिस बुक इज़ फॉर एवरीबडी. अगर आपने आपको ट्रांसफॉर्म भी करना ना 90 डेज में, दिस इज़ इट फॉर यू. ये बुक आपको ट्रांसफॉर्म भी कर देगी 90 डेज में. अब आपको ये कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी अमेजोन पे. ये कब आने वाली है? डिजिटल तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही है, ये अवेलेबल हो जाएगी आपको नेक्स्ट 10-15 डेज में. प्री ऑर्डर्स शुरू हो चुके हैं, मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये बुक आपको, इतनी मोटी बुक अलॉन्ग विथ ट्रांसफॉर्मेशन टी शर्ट आपको मिल जाएगी ₹199 में. इतनी बड़ी 200-250 पेजेस प्लस अ टी शर्ट गाइस, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट वैल्यू फ्रॉम इट. वैल्यू क्यों? बिकॉज मैं समझ सकता हूँ एज अ स्टूडेंट आप ज़्यादा यू नो लिटरेचर फिटनेस को लेके वैसे भी बहुत कम है, बुक्स बहुत कम है, यू नो नॉलेज बहुत कम है लोगों में. व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, मैंने सी कि आप किस चीज़ को रेफर कर सको, तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बैक्ड बाय ट्रेनिंग, बैक्ड बाय सप्लीमेंट्स, बैक्ड बाय गुड डाइट. कि आपको अगर आपको अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप क्या डाइट यूज़ कर सकते हो. सो मैं आपको 3-4 चीज़ें ऐसे बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, इस बुक में भी है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना तो पढ़ सकते हो, तो जो चेस्ट फैट को मिनिमाइज़ कर देगी, जो मैं
रेकमेंड करूँगा आप सभी को। सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ भी करना है, नंबर वन है, स्पेशली अगर प्रॉब्लम चेस्ट फैट्स है, यू हैव टू डू पुशअप्स एवरी डे। पुशअप्स आपको करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पुशअप्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आपका जैसे कहते हैं ना चेस्ट डे भी नहीं है, बिकॉज हम उन लोगों की तरह नहीं है जिनकी बॉडी नॉर्मल है या जिन जो बहुत फ्लैट चेस्टेड है, आप नहीं कर सकते। बिकॉज वो अगर हफ्ते में एक या दो बार भी करेंगे ना, इट्स ओके। बट अगर आपके मेल बूब्स हैं, अगर आपको चेस्ट को मिनिमाइज़ करना है, फैट को मिनिमाइज़ करना है, सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 100 to 300 पुशअप्स बाई डिफॉल्ट। आप वार्म अप करिए, अगर आपका ऑफ डे भी है करिए, किसी भी वर्कआउट से पहले आपको वो करना ही करना पड़ेगा। दैट्स अ सैड ट्रूथ। और ये सब ये मेरी डिस्कवरी, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैक्ड बाय साइंस और इट्स बैक्ड बाय दिस। ये मैंने अपने पे रियलाइज़ करा, बिकॉज आई हैड टू डू दिस, बिकॉज अदरवाइज वो एक इल्यूजन होता था ना कि चेस्ट बहुत लूज हो जाती है, बहुत अजीब सी लगती है, टी शर्ट फिट नहीं होती और टी शर्ट के बाहर बिल्कुल प्रिट्यूट सी करती है। सो दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको, मैं रिकमेंड करूँगा, इस बुक में भी मैंशन है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। अगर आपको चेस्ट फैट मिनिमाइज करना है, आप रेगुलर कन्वेंशनल वर्कआउट नहीं कर सकते, विच इज़ अच्छा मैं मंडे को चेस्ट करूँगा, ट्यूजडे को बैक करूँगा, वेंसडे को एब्स करूँगा। नहीं, यू हैव टू डू अ डिफरेंट HIIT प्रोग्राम। वो क्या प्रोग्राम है वो भी इस बुक में मेंशन है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 45 minutes ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, लिटिल बिट ऑफ कार्डियो, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ यू नो क्रॉसफिट, हर चीज़ का ब्लेंड, एवरीथिंग टुगेदर। द आइडिया इज अगेन, अपनी बॉडी को जितना हो सके ना स्ट्रेस सिचुएशन में रखिए। 45 मैंने से स्ट्रेस ये नहीं कि आप अपने आप को मार डालो, मैंने से थोड़ा सा यू नो हार्ट रेट हाई रखेगा। सो उससे होगा कि आपकी बॉडी फैट ज़्यादा जल्दी बर्न करेगी, और यू नो चेस्ट, जैसे वो चेस्ट फैट ही है, सो आपको जितने उसके फैट सेल तोड़ने हैं और जितना आप रेस्ट लेंगे वर्कआउट के बीच में, उतना इसे कहते हैं ना डिले होगा वो मामला। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। मेरे को भी ये लगता था कि यार ये कन्वेंशनल वर्कआउट करूँ, अच्छा उसका वर्कआउट ये, मैं ये करता हूँ, अच्छा मैं ये आज बल्क प्रोग्राम करता हूँ, ये मैं आज कट प्रोग्राम करता हूँ। बट अगर आपका गोल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेशली अगर आपका चेस्ट फैट है, सो यू कैन नॉट फॉलो सच प्रोग्राम। यू हैव टू हैव अ कस्टमाइज अप्रोच, और यही कस्टमाइज अप्रोच मैं आपको इस बुक के थ्रू दे रहा हूँ। फर्स्ट 25 ऑर्डर्स को, जैसे मैंने कहा, विल गेट अ टी शर्ट। अगर आप अभी फटाफट अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, और कई इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी, कि आपको लगता होगा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं, कौन सा फूड, कौन सी आइटम खानी चाहिए आपको, सारी यू नो देसी आइटम इंडिया में जो अवेलेबल है, कि जो आप खा सकते हो अपनी ट्रेनिंग के साथ, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो, बहुत कुछ सारी इन्फॉर्मेशन गाइस मैंने अपना एक निचोड़ इस बुक में डाल दिया। एंड दिस बुक वॉज अ बेस्ट सेलर ऑन Amazon, जो डिजिटल वर्जन थी इसकी, अब पेपरबैक वर्जन आ गई है। सो आई एम एक्सट्रीमली प्लीज, और बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी कि यू नो फाइनली यू नो थोड़े साल, एक दो साल पहले, ढाई साल पहले, आई वाज टॉकिंग टू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हम जिस बातें करा करते थे, नाउ आई एम बेस्ट सेलिंग ऑथर। ये मैं कुछ नहीं हूँ यार, ये आपका प्यार है। और जैसे कहते हैं ना, मेरी एक स्ट्रगल थी, एक्चुअली है, टू शेयर एज मच एज आई कैन विद यू, बिकॉज यार लाइफ इज टू शॉर्ट। मैं हमेशा आप सबको भी कहता रहता हूँ कि जस्ट शेयर एज मच एज यू कैन, लोगों से जितना हो सके शेयर करो, अपने तक मत रखो यार, शेयर इट विद पीपल, जितना पता है ना, एंड टेल द राइट थिंग, बी ऑनेस्ट। आई एम टेलिंग यू, लोग बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे, और आपका प्यार है, दैट मेक्स मी डू दीज थिंग्स। सो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था आपसे ऐसे बात करें, बिकॉज हम लास्ट कभी 2-3 महीने से सिर्फ इंटरव्यूज़ में आपको मिला रहा था लोगों से। आई होप आई एम मुझे बहुत मैसेजेस आते रहते हैं, एंड यू नो यू फाइंड दोस टीजी टॉक्स वेरी इंस्पायरिंग। वही बैकबोन है, वही मैं करता रहा। बाय द वे, टीजी टॉक्स से याद है, 24th मैगजीन को टीजी टॉक्स मैगजीन भी लॉन्च हो रही है। इट्स अ डिजिटल कॉपी, इट्स अ फ्री कॉपी, सारी स्टोरीज जो आपने अभी तक देखी हैं, सबके फोटोशूट्स, मैगजीन पिक्चर्स, सब उसमें आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगेन, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ फॉर यू। अगर आपको भी टीजी टॉक्स में फीचर होना है, जिस DM में और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे, यू नो आई बी हैप्पी टू। और मुझे बताइए आप क्यों इंस्पिरेशनल है। एंड अगर आपको चेस्ट फैट की भी प्रॉब्लम है, रीच आउट टू मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हेल्प चाहिए, सो यू गॉट रीड दिस बुक, काफ़ी मोटी, जैसे मैंने आपको कहा था, यू विल हैव इनफ लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेशन टू गेट योर हैंड्स ऑन। काफ़ी कहते हैं इन डेप्थ रिसर्च आपको मिलेगी इस पर, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस की, मैं किन प्रॉब्लम से जूझता रहा हूँ, और आप काफ़ी रिलेट करोगे उनसे। सो दैट वाज फॉर द वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले, इंटरव्यूज़ आने वाले, बट उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। आई होप यू फाइंड वैल्यू इन दिस। मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक इट आउट। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।